हाई कोर्ट के ऑर्डर से बना था और 2016 दिसंबर 2016 में बना था कि जो कोई भी स्कूल है वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के मुताबिक 8% जो फी का एनहांस कर सकता है उसको भी जस्टिफाई करना पड़ेगा और जो कमिश्नर रेवेन्यू कमिश्नर्स जो हैं वो उसके चेयरमैन होंगे और DEO सेकेंडरी DEO प्राइमरी सर्कल एजुकेशन ऑफिसर उसके मेंबर्स और दो एकेडमिक्स में जो एक्सेल करते होंगे दो उसके एक्स ऑफिशियल मेंबर्स होंगे। मैंने सी ऑफिस तो बंद करने की तैयारी हो रही है वो तो आप निकाल दें उसको जी वो क्योंकि उनका एक्चुअली कुछ काम था नहीं। बिल्कुल ठीक है तो नहीं आपने बहुत अच्छा फैसला लिया है हम लोग कहीं और उनसे काम ले सकते हैं इसलिए ये किया पर इन स्पाइट ऑफ द सेम हैविंग सेड दिस मैं ये भी कहूँगी कि कुछ खामियां हैं हमें कुछ को फाइन ट्यून रूल्स को करना पड़ेगा वो हम करने जा रहे हैं बहुत जल्दी और हमने और भी बहुत रेवोल्यूशनरी स्टेप्स एजुकेशन में लिए हैं जो हम आने वाले समय में आपको बताएंगे उसमें से कुछ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम रैशनलाइजेशन करने जा रहे हैं क्योंकि आपको जान के हैरानी होगी कि मोहाली में वैकेंसी जो परसेंटेज है वो 1% है लेकिन वहीं पे तरन तारण में 46% वैकेंसी क्योंकि अध्यापक गण का एक ट्रेंड है कि वो शहरी एरिया में रहना पसंद करते हैं और बॉर्डर एरिया में टीचर्स की कमी रहती है अब इसकी तो कोई तुक नहीं है ना कि किसी स्कूल में टीचर्स ही ना हो तो हमारे गरीब बच्चे जो हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते प्राइवेट स्कूल्स को तो वो कहाँ पढ़ेंगे कहाँ जाएंगे सो इसके कमी को पूरा करने के लिए हम और ये भी एक देखने में आया है कि जो ट्रेंड है टीचर्स का वो मिडिल स्कूल्स में ज़्यादा है मिडिल स्कूल्स में क्योंकि बोर्ड का प्रेशर नहीं है अकाउंटेबिलिटी नहीं है जो सच्चाई है बिल्कुल ठीक है तो हमने जो रेशियो निकाली है वो 22 स्टूडेंट्स के पीछे 7 टीचर्स हैं और अब हम जबकि RTE के मुताबिक राइट टू एजुकेशन के मुताबिक हम वहाँ पे 3 टीचर्स की ज़रूरत है लेकिन फिर भी हम 4 टीचर्स दे रहे हैं और जो एक सरप्लस पूल जो है वो हम बनाएंगे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और जो ऐसे टीचर्स जो हैं जो सरप्लस टीचर्स हैं उनको एक पूछ के जो नियर बाय स्कूल है उनकी चॉइस के मुताबिक वहाँ पे उनको भेजा जाएगा ताकि टीचर्स की कमी जो है वो पूरी मैडम नेशनलाइजेशन वाला पहले भी बोला गया था लेकिन वो हुआ नहीं हम करेंगे मैडम एक सबसे बड़ी बात आ रही जो अभी जो एग्जाम शुरू हो रहे हैं कल से एग्जाम शुरू हो रहे हैं काफी स्टूडेंट की प्रॉब्लम आ रही है भी उनको 70 किलोमीटर दूर लगाया हुआ डिस्टेंस पे काफी डिस्टेंस पे नहीं है ऐसा नहीं है अगर किसी की दूर लग भी गई तो टीचर्स को कभी जाना भी पड़े तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है तो वैसे हमने कोशिश की है कि उनको कम ही ज्यादा डिस्टेंस कवर ना मतलब शिफ्ट नहीं होंगे अब तो नहीं होंगे क्योंकि एग्जाम कल से शुरू होंगे जी बच्ची को धक्का दे दिया गया था तो ये इतना प्रोमिनेंट स्कूल है तो सिक्योरिटी कंसर्न्स जो है रेज होते हैं तो आप उस पे कोई एक्शन लोगे देखिए जिस इंसिडेंट की आप बात कर रहे हैं वो मेरी नॉलेज में तो नहीं है मुझे आई एम श्योर कि अगर ये इंसिडेंट ऐसा हुआ तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने जरूर कोई काम कोई उस पे लिया होगा एक्शन लिया होगा मैंने एक सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स जो है वो कुछ स्कीम्स बंद होने की बात कर रहे हैं हो रही हैं और कुछ ऐसा भी एक टीचर्स को जो है वो सैलरी प्रॉपर नहीं मिल रही है उसके बारे में थोड़ा प्लीज एक ही लास्ट जी इसलिए मैं कह रही बात में प्लीज 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 मैम बेटा बात कंप्लीट हो चुका है मैम सिर्फ कंप्लीट हो चुका है प्लीज वन बार बच्चा जो डिफरेंट कैडर्स हैं आपकी बात फंक्शन नहीं आया ना ये कुछ प्रमोशंस करने उनके एरियाज जो थे वो हमने टीचर्स ने ले लिए उससे हमारा जो बजट था वो थोड़ा सा हो गया हमने रिवाइज्ड बजट भेजा है और जल्दी ही उनकी सैलरी उनको दे दी जाएगी ये तो आपका पहला सवाल दूसरा ये है कि जो भी सोसाइटीज़ जो हैं क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करती है कि कुछ 60-40 की रेशो से नई स्कीम्स निकालती हैं और थोड़ी देर के बाद वो बंद कर देती हैं
हमारे स्टेट्स के पास इतना कोई इतना पैसा नहीं होता है कि हम उनको अफोर्ड कर सकें, कि हम उनकी 100% सैलरीज दे सकें, लेकिन फिर भी जो बहुत पुराने लगे हुए हैं, काफ़ी सालों से काम कर रहे हैं, हम उनको एब्जॉर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो मेन स्ट्रीम में आ जाएगी, में आ जाएगी, पर लेस होगा। ऑनलाइन अप्लाई करिए तो उसके अगर आप क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं, हम ट्रांसफर पॉलिसी परफॉर्मेंस बेस करेंगे। नहीं, मैं बात वो थी भी, लॉन्ग टाइम से यहाँ पे क्लर्क बैठे हुए हैं एक एक सीट पे, उनको कुछ बदलने का प्लान है? अभी इमीडिएटली तो नहीं है, लेकिन इसके बारे में सोच रहे हैं क्या करना, काफी प्लानिंग चल रही है।